देखिए ये जुगफलाय विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको मेरे पीछे में दिखेगा कि यहां पर विकास सच में बरसात के पानी में डूब चुका है। आप देखिए कि यहां पर गंदगी का इतना ज़्यादा अंबार है, यहां पर जेनेसी द्वारा किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं की जाती है। वहीं जुगफलाय विधानसभा के जो विधायक मंगल कालिंदी है, शायद उनको इस क्षेत्र से ना कोई लेना है ना ही देना है, और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। आज बरसात का मौसम था, यहाँ के कई लोग अपने परेशानियों को हमें बता रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ विधायक सरकार लगातार दावा करती है कि उनके द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है, लेकिन आप पीछे देखिए कि क्या काम किया जा रहा है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, नाली की जो निकासी है वह दुरुस्त नहीं है। बरसात जब भी आता है यहाँ के लोग इसी मंजर से गुजरते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो बच्चों को स्कूल से ले करके आ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनको क्या क्या परेशानी हो रही है। बताइए, इस वक्त आप आ रहे बहुत तकलीफ से, तो क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? जब भी बरसात होता है तो यहाँ पर नाली का पानी इतना जाम हो जाता है कि मतलब गाड़ी यहाँ पार होना बहुत मुश्किल है। कई आदमी तो ऐसा है कि मतलब गाड़ी बंद हो जाता है, पैदल में पूरा नाली का पानी पूरा बदन में आता है, गाड़ी कितना फंस गया है। अभी हम लोग खुद पार हुए तो कितना मुश्किल से ही पार हुए हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनके द्वारा परेशानी को हल किया जा रहा है? अभी तक तो यहाँ पर कोई काम हम देख नहीं रहे, कम से कम 6 महीना हो गया यहीं पर वैसे ही काम चल रहा है। जब भी बारिश होता है पानी जम जाता है और यहाँ पर आने वाले में दिक्कत बहुत होता है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, यह जो क्षेत्र, यह सड़क यहाँ से जुगफलाय जाती है, अगर जुगफलाय किसी को भी जाना हो तो यह सड़क है, बगल में ही शमशान घाट है, एक पवित्र जगह है शमशान घाट, वहाँ पर भी नालियों का पानी आता है जाता है। हमारे साथ में मौजूद है मज़हर खान आवाज समाज पार्टी से, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि इनके बुलाने पर ही जब इनको लोगों ने बताया कि इस तरीके की यहाँ परेशानी चल रही है, तो इनके द्वारा इस बात से हमें अवगत कराया गया और हम खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि यह जो बस्ती है, यह पूरा बस्ती गंदगी का अंबार है, जहाँ उपायुक्त लगातार कह रहे हैं कि मलेरिया डेंगू जैसे बीमारी को रोकथाम करने के लिए कई पहल किया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है। क्या ऐसे स्थिति में यहाँ के जो उपायुक्त है उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो कचड़े का अंबार है और यहाँ पे बच्चे इसी गंदगी में रहने के लिए मजबूर है यहाँ के नागरिक, तो क्या उन्हें डायरिया डेंगू मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियाँ नहीं होगी? तो मगर जी बताइए, यहाँ पे जो सिचुएशन देखा जा रहा है काफ़ी दयनीय है और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ना, तो ये लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है जमशेदपुर को बनाने में। अभी जो करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है ना, आप देखिएगा जमशेदपुर का बिट्टूपुर डेवलप हो रहा है। अब पीएम मॉल में देखिएगा यहाँ 50 करोड़ रुपया लगाया गया है और ये एरिया जो है पीएम मॉल के ठीक पीछे है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी वो रोड साफ सुथरा रहेगा, वहाँ पे मेंटेनेंस रहेगा, लेकिन जब गरीब लोग जो है, जो इसको बनाने को योगदान जिन लोगों ने दिया है, लोगों के माँ बाप ने, उन लोग के साथ ये स्थिति है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये पहली बार का मामला नहीं है, ये तकरीबन 3-4 साल से ऐसा लगातार होते हुआ है। सरकार ऐसे स्लम एरिया को अक्सर नज़रअंदाज क्यों करती है? क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। अगर यहाँ के लोग जागरूक हो जाएं और अपना जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको पकड़े जा करके, तो ये सारा मसला नहीं होगा। अब एक छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे बिष्टुपुर में जेएनसी द्वारा जो है वो मरवाड़ी समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है मंत्री जी खुद आते हैं और आकर के बयान देते हैं और जितने भी लोग हैं उन सबको सस्पेंड किया जाता है, होमगार्ड लोग को। लेकिन ये लोग जो है जागरूक नहीं है, और ये बात पता है उन लोगों को, जो अधिकारी पदाधिकारी जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनको पता है कि ये लोग जागरूक नहीं है, ये लोग गरीब हैं, ये लोग अशिक्षित हैं, तो ये लोग जो है दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। और अंत में आकर के ये लोग जाति के नाम पे और डराने के नाम पे और धर्म के नाम पे इन लोग से वोट तो ले ही लेंगे ये लोग। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे लोगों में जागरूकता की कमी है और इसको लेकर के हम लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं, सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बतला रहे हैं प्रजातंत्र की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, संविधान ने क्या हकदार हम लोग को, क्या हम लोग का अधिकार दिया है, ये सारा चीज़ को लेकर के हम लोग अपने लोगों में जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं जी। यहाँ पे स्थानीय निवासी भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर विधायक के द्वारा यहाँ पे पहल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्या यहाँ के जुगफलाय विधानसभा के जो विधायक मंगल कालिंदी है इस क्षेत्र का दौरा करते भी है या नहीं करते हैं, या केवल इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? तो कब से ये परेशानी है यहाँ? ये परेशानी तो बहुत दिनों से है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि यहाँ पे जब भी बारिश होगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पानी लग जाता है।
जेनेशी के द्वारा एक टप रखा गया है यहाँ पे कचड़े का, तो एक टप में इतनी बड़ी बस्ती कवर नहीं कर पाएगा कोई भी, तो वो भी एक टप था वो भी चला गया। अब वो टप कारण क्या है, पानी जमने का कारण क्या है? यहाँ पे पानी जमता है कचड़े के कारण, कचड़ा आगे से जमा हो जा रहा है, बैक से पानी जा रही, तो यहाँ पे पानी जम जा रही है। परेशानी यही है कि बारिश जब भी होगी यहाँ पानी जम रहा, जमना एकदम कंपलसरी है सर। तो इस दौरान बच्चे जो स्कूल आना जाना करते हैं उनको तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है उनको, उनको बहुत ज्यादा ही परेशानी हो जाती है कि यहाँ से स्कूल आना जाना, यहाँ से एक स्कूल बस भी पार होती है, अभी कुछ दिनों से पार नहीं हो रही है। लगातार बीमारियों का भी खतरा होगा, मलेरिया डेंगू जैसे गंभीर बीमारी जो आजकल चली हुई है। जी वो सबका भी मामला बढ़ता जा रहा है ना, अभी यहाँ पे देखिएगा तो वो सबका मामला बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं, वो काट रहे हैं, इंसान बीमार पड़ रहे हैं, तो बीमारी तो बढ़ेगी ना। तो सरकार के द्वारा और विधायक के द्वारा और खासकर जेनेफी के द्वारा लगा ये इस प्रकार का भेदभाव क्यों? ये तो सरकारी जान सकती है। तो यहाँ के लोगों को हक नहीं है कि वो साफ सफाई में रहे, साफ सफाई के साथ यहाँ के जितने भी आदमी है सब साफ सफाई में ही रहते, लेकिन यहाँ पे जो है ना कचड़ा मेन मसला आ जाता है, कचड़ा का, कचड़ा फेंके कहाँ? तो कचड़ा उठाव के लिए यहाँ डस्टबिन का कोई प्रबंध? एक ही था, वो भी देख लीजिए हटा दिया गया, वहाँ पे रखा गया था वहाँ पे। ठीक है, कुछ बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है जो बारिश में भीग रहे, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत होता है बाबू यहाँ पे जो पानी नहीं है? जब स्कूल जाता है ना तो इस टेम्पो में पानी घुस जाता है और बच्चा लोग उनका स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है, अभी तो कोई स्कूल नहीं। तो यहाँ के जो विधायक है जेनेसी उनसे क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए कि ये पानी का जो समस्या है खत्म हो जाए? यहाँ साफ सुथरा नहीं करता, सब कचरा फेंकता है। देखिए एक बहुत अफसोस का बात है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई यहाँ पे नहीं किया जा रहा, कि आप खुद देखिए कि समझ नहीं आ रहा कि पानी के नीचे सड़क है या सड़क पर पानी है। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, यहाँ के स्थानीय लोग मजबूरन गंदगी में रहने को मजबूर है। एक ज़रा सोचिए कि सरकार लाख दावा कर रही है कि साफ सफाई का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया जा रहा है ताकि गंभीर बीमारी ना हो, लगातार जो डेंगू मलेरिया हैजा और भी अन्य संक्रमण रोग जो लगातार बढ़ रहे हैं उनसे निजात मिले, लेकिन सरकार जेनेसी द्वारा आज कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, एक मतभेद के नज़रों से देखा जा रहा है। यहाँ के लोग जब भी बरसात का मौसम आता है इस भय में रहते हैं, लेकिन लगातार अगर बारिश हुआ, बारिश रुकता नहीं है, तो ऐसे ही सिचुएशन आएगा और यहाँ पे लोग मजबूरन इन गंदगियों में रहने को मजबूर होंगे। अभी कुछ ही महीनों के बाद आगामी विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो यहाँ पर हर दल से हर एक जनप्रतिनिधि पहुँचेगा, उम्मीदवार पहुँचेगा और पूर्व की तरह ही लाख दावा करेगा कि वह इस क्षेत्र की समस्याओं को निदान करेगा और इसके साथ ही उन्हें हर वह अधिकार देगा जो अर्बन क्षेत्रों में होना चाहिए। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग आज गंदगी में रहने का मजबूर है। यहाँ के उपायुक्त को, ज़िला के उपायुक्त को भी ध्यान देना चाहिए और उनसे उनको ज़रा एक तलब करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को गंदगी में जो रहने को मजबूर है उन्हें इस गंदगी से बाहर निकाल दिया जाए। और हमारे साथ और भी खास लोग यहाँ के स्थानीय निवासी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या समस्या है और इन समस्याओं से इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बताइए आप भी यहाँ पे लगातार दिख रहे हैं। हमारे यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, हमारे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा बीमारी बार बार होते रहते हैं और हमारे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने नहीं सकते पानी की वजह से, और हमारे कुछ घरों में भी पानी घुस गया है, नाली साफ नहीं करता है, सफाई कर्मचारी नहीं आता है यहाँ। कभी कभी सफाई कर्मचारी आता है लेकिन डेली नहीं आता है। आप लोग शिकायत लेके कहीं गई है? शिकायत तो बहुत जगह लिख के दिए हुए हैं, फिर भी कोई कुछ हुआ नहीं, लिख के दिए, लिखित दिए, सब कुछ दिए, फिर भी कुछ हुआ नहीं है। हम लोग ये गंदगी में ही रह रहे हैं, नेता लोग भी नहीं आता है भैया। विधानसभा जब चुनाव आता तो विधायक जी तो आते हैं? उस टाइम आते हैं। उस टाइम आप लोग बताते कि नहीं कि क्या दिक्कत है यहाँ? बुलाते तो जाते ही नहीं है घर तरफ, हम लोग इससे ज्यादा हम लोग का घर डूब गया। वोट मांगने ठीक आते हैं, वोट मांगने ठीक आते हैं लेकिन साफ सफाई नहीं करते हैं। जब देखिए बहुत अफसोस का बात है कि स्थानीय जो विधायक है यहाँ के, जो फ्लाई विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के विधायक यहाँ पे इस स्थल का कभी निरीक्षण करने तक नहीं आए,
तो यहाँ के लोग देखिए एक आक्रोश है, लोग लगातार कह रहे हैं कि जब वोट का समय आता है तो यहाँ पे विधायक जी आते हैं, एक वोट लेने के लिए इस क्षेत्र में तो विधायक जी पहुंच जाते हैं, जब और कोई मामला होता तो स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंच जाता है, लेकिन आज जिस कगार पे यहाँ पे लोग रहने को मजबूर है, गंदगी में लोग रहने को मजबूर है, ऐसी स्थिति में उनके पास लगातार ज्ञापन जा रहा है, लेकिन विधायक जी को, जेनेसी को और यहाँ के उपायुक्त को किसी भी प्रकार से यहाँ मतलब इनके समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। एक हमारी खास यही पहल है कि इस रिपोर्ट के बाद में यहाँ के लोगों को समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कचरा का अंबार और साथ ही जल निकासी प्रणाली। अगर जल निकासी प्रणाली को दुरुस्त कर लिया जाएगा तो यहाँ पे पानी, बरसात के पानी को लेकर जो जल जमाव है वह भी कुछ हद तक उस पर लगाम लगेगा। तो फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे आगामी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ऐसी स्थिति में बहुत से फिर से लोग आएंगे, वादा करेंगे, लेकिन सरकार भी बदलती है, विधायक भी बदलते हैं, जनप्रतिनिधि भी बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो यहाँ का केवल हाल और हालात। तो यहाँ पर लगातार फिर से इस तरीके के हम मुद्दे को लेकर के आते रहेंगे, हमारे साथ बने